सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल बैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट प्रोडक्ट्स और उसके रिव्यूज़ के बारे में जानने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको मेरे चैनल टेक्निकल बैंक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैं थोड़ा बिजी हो गया था और अभी मेरा एग्ज़ाम्स भी आने वाला है तो मुझे थोड़ा कम समय मिल रहा है। फिलहाल तो मुझे पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तो जैसे ही मुझे फुर्सत मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ। और दोस्तों एक बात बता दो कि ये जो गैप हो गया था 5 दिन का, इसके अंदर में कोई इतना ज़्यादा स्मार्टफोन्स भी लॉन्च नहीं हुआ था। जितना भी हमारे चाइना स्मार्टफोन्स है वो कमियों का और कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ था, ये सब स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए थे, तो उसका रिव्यू बनना इतना ज़रूरी नहीं था क्योंकि आज तो सभी इंडियन स्मार्टफोन्स ही प्रीफर करते हैं। यह छोटे दोस्तों वो सब बात तो बाद में करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कि आज ये जो वीडियो है उसमें मैं आपको ऑनर का ही स्मार्टफोन का और बताऊँगा जो कि आज ही लॉन्च हुआ है। वो स्मार्टफोन्स का नाम है दोस्तों ऑनर नोट 10 और फिलहाल ये चाइना में लॉन्च हुआ है। इंडिया में अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया जा रहा कब लॉन्च हो गया, शायद अगस्त में ही लॉन्च होगा। और इसका आज मैं सारे स्पेसिफिकेशंस और प्राइस बता दूंगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप जो स्मार्टफोन देख रही है आपका ऑनर नोट 10, तो दिखने में काफ़ी क्लासी लुक्स है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक्स है इसका और ब्लू कलर तो मेरा फेवरेट है, ये और भी सुंदर बनाता है ये स्मार्टफोन को। और इसका रियर साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और इसके साथ आपको फेस अनलॉक फीचर भी मिल रहा है। तो अब जानते हैं बाकी सारे डिटेल्स के बारे में, तो पहले जान लेते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन का एल्युमिनियम फ्रेम से बिल्ड किया गया है इसको, और ऊपर और नीचे इसमें आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है तो टूटने का डर नहीं है। और इसका जो सिम स्लॉट है वो एक हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब आप इसमें एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या दो सिम यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो वेट है वो थोड़ा हैवी है दोस्तों, ये है 230 ग्राम्स, क्योंकि एल्युमिनियम फ्रेम से बना है तो थोड़ा हैवी होने का जाहिर बात है दोस्तों। और अभी जानते हैं डिस्प्ले के बारे में। इसका जो डिस्प्ले वो है AMOLED फुल HD प्लस डिस्प्ले, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। उसका रेजोल्यूशन का मैं बता देता हूँ, उसका रेजोल्यूशन है 1080x2220, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन है। और ये एक 19:9 रेशो वाला रेजोल्यूशन मतलब जो स्क्रीन है। और इसका जो पिक्सल डेंसिटी वो थोड़ा ज़्यादा है, वो है 355 पिक्सल्स, तो देख लीजिए मतलब स्क्रीन में काफ़ी अच्छा ब्राइट और क्लियर विविड स्क्रीन होने वाला है। और इसका जो मल्टी टच है दोस्तों ये सपोर्ट करता है, इसमें आपको 10 फिंगर्स का सपोर्ट मिल जाता है। और इसके साथ आपको EMUI का वो यूज़र इंटरफेस मिल जाता है। ये ऑनर का ही यूज़र इंटरफेस है तो इसे बहुत ही ईजी है यूज़ करना, आपको पता भी होगा ऑनर का सभी स्मार्टफोन्स में आते हैं ये। और EMUI का वर्सन का अगर बात करूँ तो इसमें आपको 8.2 EMUI वर्सन दिया गया है। तो अभी हम जान लेते हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो आपको इसमें एंड्रॉयड ओरियो यानी कि 8.1 दिया जा रहा है और साथ में काइरिन 970 का प्रोसेसर मिलता है, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, बहुत ही स्मूथली रन करता है, तो आप इसमें हैवी टास्किंग आराम से कर सकते हैं। और इसका जो प्रोसेसर है वो ऑक्टाकोर प्रोसेसर है जिसका स्पीड 2.4GHz है। और इसमें MI-LI G72 का ग्राफिक्स दिया जा रहा है, तो आराम से कोई भी हैवी गेम्स आप खेल सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं इसका रैम और स्टोरेज के बारे में। तो ये 3 वेरिएंट्स में लॉन्च हुए हैं। तो पहला वेरिएंट जो है दोस्तों हमारा 6GB रैम और 64GB का स्टोरेज, दूसरा 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज, और तीसरा जो है 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज। तो देखिए रैम और स्टोरेज में कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा रैम और स्टोरेज मिल रहा है। और इसमें आप 256GB तक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और हाइब्रिड स्लॉट है तो आप अपना हिसाब से यूज़ कीजिएगा। तो अभी हम जान लेते हैं इसका कैमरा के बारे में। तो इसका जो कैमरा है डुअल रियर कैमरा है, इसके साथ आपको डुअल LED फ्लैश भी मिल जाता है। तो हमारा पहला जो कैमरा है वो है 16 MP का जिसका अपर्चर F1.8 है, और दूसरा है 24 MP का जिसका अपर्चर F1.8 है। और ये आपका मतलब 4K रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है। और ये AI यूज़र इंटरफेस है, मतलब इसमें आपको सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं, वो ऑटो सीन डिटेक्शन कर भी लेता है दोस्तों। AI जो होता है आपका कैसा सीन है वो उस हिसाब से अपना मोड सेट कर देता है। तो आपको इसमें HDR पैनोरामा जियो टैगिंग और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं। और एक बात दोस्तों मैं बताना भूल गया, इसका जो प्रोसेसर है वो एक GPU टर्बो प्रोसेसर है, मतलब इसमें आपका कोई लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है तो इस वजह से ये फ़ोन हीट नहीं होने वाला। तो अभी हम जान लेते हैं इसका फ्रंट कैमरा के बारे में। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 13 MP का जिसका अपर्चर F2.0 है, और वो भी AI फीचर्स के साथ आता है, और उसमें भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ में आपको एक LED फ्लैश भी दिया जा रहा है।
बाकी सारे फीचर्स जान लेते हैं। तो इसमें आपको डॉल्बी एटमोस साउंड सराउंड मिलता है, बहुत ही अच्छा साउंड है दोस्तों। मतलब इसका जो साउंड सिस्टम है वो ज़बरदस्त होने वाला है। इसके साथ आपको एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन माइक मिल जा रहा है और 3.5 mm का हेड जैक मिल जा रहा है, क्योंकि आजकल हेड जैक नहीं दिया जा रहा, पर इसमें आपको हेडफोन जैक जो होता है वो मिल जा रहा है। और इसमें आपको 4.2 GHz का ब्लूटूथ मिल जा रहा है और NFC सपोर्टेड डिवाइसेस, मतलब आप कोई भी NFC इनेबल डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं स्मार्टफोन्स के जरिए। और सेंसर्स में फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, कंपास और भी बहुत सारे सेंसर्स, सभी सेंसर्स मिल जाते हैं। तो सेंसर्स में कोई कमी नहीं है और यह एक रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि फ़ोन के रियर साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका और एक खास बात है दोस्तों, इसका जो बैटरी है बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, वो एक 5000 mAh का बैटरी है, तो देखिए काफ़ी बड़ा बैटरी है। और इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, तो जल्दी चार्ज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अगर ख़त्म भी हो जाए तो फिर से 20 मिनट में हम कम से कम 50% चार्ज कर सकते हैं। और वो एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है, मतलब आप उसे निकाल नहीं सकते, ये तो आजकल सभी स्मार्टफोन में कॉमन बात हो गया है, नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते हैं। तो अभी जानते हैं इसका कलर्स के बारे में। तो इसको दो कलर्स में लॉन्च किया गया है, फैंटम ब्लू और मिडनाइट ब्लैक। तो ये दो कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं दोस्तों। तो अभी इसका प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। और दोस्तों सॉरी, एक चीज़ मैं गलत बोल दिया था, एक जो 64 GB वाला वेरियंट है उसके साथ आपको 4 GB का रैम मिलता है, 6 GB का नहीं। तो उसका प्राइस है 28,000, और हमारा 6 GB रैम और 128 GB वाला वेरियंट का प्राइस है 32,000, और 8 GB रैम और 128 GB का प्राइस है 36,000। तो देख लीजिए प्राइसिंग दोस्तों ठीक ठाक है, पर मेरे ख्याल से और भी कम होना चाहिए, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना प्राइस में तो आपको और भी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। और ये दोस्तों फिलहाल चाइना में लॉन्च है, देखते हैं इंडिया में क्या प्राइस में लॉन्चिंग होता है, तो तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों बस इतना ही था हमारे ऑनर नोट 10 के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पर।